मैं ब्रिजमोहन मेहता, फादर ऑफ ए मार्टियर, लेट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सचिन मेहता, ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड हूं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमृत वेले परमपिता परमात्मा से बाबा से योग और ध्यान के बाद बाबा से प्राप्त शक्तियों द्वारा उन सभी शहीदों की आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन प्रेषित करता हूं जो 15 व 16 जून की रात को गलवान घाटी लद्दाख में दुश्मन सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए। मैं अपने आत्मिक स्वरूप अर्थात सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में स्थित उन सभी शहीदों को इमर्ज करता हूं जिनमें कर्नल भिकुमाला संतोष बाबू, नायब सूबेदार नुदुरम सोरेन, मनदीप सिंह, सतनाम सिंह, हवलदार केपलानी, सुनील कुमार, विपुल राय नायक, दीपक कुमार सिपाही, राजेश औरंग, कुंदन कुमार ओझा, गणेश राम, चंद्रकांत प्रधान, अंकुश, गुरविंदर, गुरुतेज सिंह, चंदन कुमार, कुंदन कुमार, अमन कुमार, जय किशोर सिंह और गणेश हंसदा हैं। मैं इन सभी शहीदों की आत्माओं के लिए योग से प्राप्त शक्तियों द्वारा जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको उनकी आत्मा को शांति के प्रकंपन प्रवाहित कर रहा हूं ताकि ये अमर आत्माएं अपने अंतिम संकल्पों के अनुसार पुनः एक नया व सुंदर जीवन को प्राप्त कर सकें। मैं अपने आत्मिक स्वरूप में इन शहीदों के संपूर्ण परिजनों को भी इमर्ज कर उन तक धैर्य, शांति व शक्ति के प्रकंपन प्रवाहित करता हूं। सभी शहीदों के परिवारजन, आत्मीयजन अपनों के खो जाने के दर्द में बहुत व्यथित तो हैं ही, साथ ही उन सभी के दिलों में दुश्मन देश के प्रति केवल और केवल एक ही संकल्प चल रहा है और वह है इस कृत्य का बदला, बदला और बदला। मैं उन सभी को, उन परिजनों को रोज योग के बाद कम से कम 7 दिनों तक परमात्मा शक्तियों के वाइब्रेशन द्वारा इस दुख को सहने की शक्ति और धैर्यता के वाइब्रेशन भेजता रहूंगा। साथ ही यह एक सत्य है कि इस सृष्टि रंगमंच पर कर्म और प्रभाव के नियम द्वारा हर आत्मा को न्याय जरूर मिलता है।
और परमपिता परमात्मा द्वारा इन समस्त शहीदों को उनके परिजनों के साथ न्याय अवश्य होगा। जिसने भी यह कृत्य किया उसको भोगना अवश्य भोगनी होगी। पुनः इस अपार दुख की घड़ी में सभी शहीदों की आत्माओं को शांति व उनके परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्तियों के वाइब्रेशंस प्रसारित करता हूं, ताकि उनके अंदर इस दुख को सहन करने की शक्ति का संचार हो सके। सभी शहीदों को अश्रुपूरित नमन के साथ ओम शांत, ओम शांत, ओम शांत।